गाइस कैसे हैं आप लोग। और मैं आपका एजुकेटर अभिजीत मिश्रा आपके साथ। थोड़ा सा डिले हो गया, कुछ टेक्निकल चीज़ें हो गई थी। तो आइए गाइस शुरू करते हैं आज अपना सेशन। और सेशन में हम लेकर आपके लिए क्या आए हैं, तो आपका पहले मोस्ट वेलकम है अनअकैडमी स्टूडियो वॉल्च पे गाइस। और आज 10 AM पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का हमारा क्लास होना था, लेकिन कंप्यूटर जी के साइड से अभी तक हमारे पास फाइल नहीं आई है। अगर ये फाइल नहीं आ पाई 10 o'clock तक, तो फिर 10 o'clock पर हम क्या पढ़ेंगे? तो 10 o'clock पर हम लोग पढ़ेंगे फिर आज पढ़ लेते हैं यार डिसाइड आप लोग मुझे बताओ बैंकिंग का कौन सा टॉपिक हम पढ़ सकते हैं या इकोनॉमिक्स का कौन सा टॉपिक। ठीक है, तो अभी तक स्लाइड नहीं आई हमारे पास, तो हम देख लेते हैं कौन सा टॉपिक हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बात करते हैं गाइस। तो मैं आपको बस अपने बारे में इन्फॉर्मेशन इतनी देनी चाहूंगा यहाँ पर कि मेरे 3 बैच चल रहे हैं। एक चल रहा है बैंकिंग फाइनेंस इकोनॉमी का, ठीक है, एक चल रहा है बैंकिंग फाइनेंस का जिसकी टाइमिंग है 1 to 2, डेली हमारी क्लास होती है अनअकैडमी प्लस पे। एक बैच LIC HFL इंटरव्यू और LIC असिस्टेंट के लिए, और एक बैच की अगर बात करें तो वो होगा आपका IBPS PO मेंस क्रैश कोर्स। IBPS PO मेंस क्रैश कोर्स। तो ये 3 बैच आप मेरे ज्वाइन कर सकते हैं जैसे भी आपको ज्वाइन करने का मन हो। और ज्वाइन करने के लिए आपके पास अनअकैडमी का लर्निंग ऐप होना चाहिए, जो ये है। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद यहां पर चूज योर गोल के ऑप्शन आएंगे, आप वहां पर बैंक एग्जाम पे क्लिक कर लीजिए। यहां पर क्लिक करने के बाद आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे कोर्सेज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइज। तो अनअकैडमी पर आपको जाकर करना क्या होता है, आपको बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा और उसकी फीस आपके सामने यहां पर शो हो रही है। 1 month के लिए, 3 month के लिए, 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए और 24 महीने के लिए। अगर आप 1 month के लिए अनअकैडमी का कोर्स लेते हो, ठीक है, तो आपको पड़ेगा ₹1200 पर महीने। और अगर आप 1 साल के लेते हो तो आपको पड़ेगा ₹500 पर महीने। जितना लंबा आप जाएंगे उतना सस्ता आपको पड़ेगा, पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन यह है कि अगर आप 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, जैसे भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो इसका फायदा क्या होता है कि यहां पर आप केवल और केवल मेरे कोर्सेस नहीं, इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं उनके कोर्सेस आप अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर देख पाओगे। उनके कोर्सेस मतलब कि अगर हम बात करें इंडिया में 5 शहरों में 5 टॉप के एजुकेटर हैं क्वांट के, तो आप उन सारे एजुकेटर को एक ही जगह देख पाओगे। आपको यहां वहां दौड़ने भागने की जरूरत नहीं है, सेम इंग्लिश के लिए, सेम आपकी रीजनिंग के लिए, सेम आपकी जीए के लिए। तो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स को अनअकैडमी ने एक प्लेटफॉर्म पे रख दिया। आपको एक बार फीस की अगर पे करनी होती है और सबके कोर्सेस आपके लिए ओपन हो जाते हैं। कोर्सेस ओपन हो चुके हैं, फ्री लेसन्स ओपन हो चुके हैं आपके लिए, कंटेंट ओपन हो चुके हैं, PDF, वीकली क्विज, मेगा क्विज, सब कुछ आपके लिए ओपन। बिल्कुल घर जैसा एटमॉस्फेयर, अपने घर में बैठ के एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, आप पढ़ते हैं, इंटरेक्शन बढ़िया होता है। तो इससे बेटर प्लेटफॉर्म कोई नहीं है आज के टाइम पर अगर हम बात करें फॉर द प्रिपरेशन। तो अगर आप 1 साल के लिए आप अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म लेते हो तो आपको जो फीस पड़ेगी वो कितनी पड़ेगी, ₹6000। आप फिर बोलोगे सर ये तो महंगा लग रहा है, महंगा वाली बात तो है, लेकिन इस 6000 में जो आपको फैसिलिटीज मिल रही है, मैंने क्या बोला, आपको क्वांट में दिक्कत है, रीजनिंग में, इंग्लिश में, जीए में, आप तुरंत अनअकैडमी जाएं, जितने कोर्सेज हैं सबको देखिए, इंडिया के सारे एजुकेटर आपको यहां पर मिल जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना ही होना है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस 6000 में आप कम से कम इंडिया के 60 एजुकेटर को फॉलो कर सकते हो, उनके पेड बैचेस। तो बताइए अब कहां से महंगा है। और हां, इसको भी आप कम कर सकते हो, इसकी फीस 5400 आप कर सकते हो, लेकिन आपको वहां पर AM लाइव कोड डालना पड़ेगा। ये एडमिशन के टाइम पर आप करते हो ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाए। ये मेरा कोड है, अगर आप इससे एडमिशन लेते हो तो आपको इसमें फायदा है, मुझे भी इसमें फायदा है, मुझे भी इससे प्रमोशंस मिलते हैं और इंसेंटिव्स मिलते हैं। तो AM लाइव कोड ध्यान दीजिएगा, यहां से आपको एडमिशन लेना है। दूसरी बात गाइस, AM लाइव कोड ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अगर आगे हम बात करें तो देखिए, ऐसे बच्चे जो कि नए हैं, जो कि बिगनर हैं और जो कि अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि आपको बताया गाइस फीस बढ़ती रहती है, तो 2 साल के लिए आप अनअकैडमी प्लस को अपना बना सकते हैं। आपको 9600 फीस पे नहीं करनी है, आपको फीस पे करनी है ₹8640 अगर आप AM लाइव कोड का यूज करते हैं। तो अगर आपने एडमिशन ले लिया है अच्छी बात है, अगर आप प्लान कर रहे हो गाइस तो इससे आप एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपसे कोई पूछता है, कंसल्टेंसी मांगता है, कुछ भी, तो आप इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, यही हमारे लिए गुरुदक्षिणा हो जाएगी। और एक दूसरी गुरुदक्षिणा, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं लाइक कर दीजिएगा, और जो भी आपके टेलीग्राम ग्रुप्स हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कर दीजिएगा, प्लीज कर दीजिएगा, ताकि
हम लोग की भी दोस्ती बनी रहे है ना। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे 24 अक्टूबर करंट अफेयर्स की, कौन कौन से पॉइंट आपके लिए हम लेकर आए हैं, हम उसकी बात कर ले। तो हर बार की तरह आज भी हम अपनी शुरुआत रिपोर्ट और इंडेक्स से करेंगे, और रिपोर्ट और इंडेक्स में हम कौन कौन से पॉइंट की बात करेंगे आइए आपको दिखाते हैं, ठीक है। रिपोर्ट और इंडेक्स, तो गाइज रिपोर्ट और इंडेक्स में हम सबसे पहले बात करेंगे पेंशन के बारे में। मतलब जितने भी देश हैं वो अपने देश में जो रिटायर्ड लोग हो जाते हैं, जो सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, उनको किस तरह से उनका ख्याल रखते हैं, पेंशन देते हैं, उस हिसाब से रैंकिंग की गई है। और उसमें नीदरलैंड ने टॉप किया और इंडिया की रैंक है 32nd। और अगर मैं आपको बताऊं टोटल कंट्री है 37 कंट्रीज की रैंकिंग हुई, जिसमें इंडिया की रैंक है 32वीं। टॉप किसने किया है नीदरलैंड में, हम इसकी इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। इंडिया रैंक 32 इन मेलबर्न मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, टॉप बाई नीदरलैंड, ठीक है। तो पहली इंडेक्स आपके सामने, आइए देखते हैं। तो गाइज इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया को 32वीं रैंक मिली है कौन से इंडेक्स में, कौन से इंडेक्स में, मेलबर्न मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, मेलबर्न मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, इंडेक्स का नाम आपके सामने है। टॉप किया किसने वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन इंडिया की रैंक है 32, टॉप किसने किया है नीदरलैंड ने टॉप किया है गाइज। और लास्ट कंट्री की बात करें थाईलैंड, मतलब थाईलैंड 37वां देश है, 37 देश है, ठीक है। तो इंडेक्स का नाम, इंडिया की रैंक, टॉप बाई नीदरलैंड, और लास्ट कौन आया थाईलैंड, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी। आगे बढ़े गाइज तो बात करते हैं, देखिए द टोटल नंबर ऑफ द कंट्रीज इंक्लूडेड इन द रैंकिंग इज 37, टोटल 37 कंट्रीज की रैंकिंग हुई। और अगर हम बात करते हैं कि लास्ट ईयर 2018 में इंडिया की रैंक कितनी थी, 33। एक बार चीजों को समराइज कर लें, यानी हम कौन से इंडेक्स की बात कर रहे हैं, हम लोग मेलबर्न मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स की बात कर रहे हैं। इंडिया की रैंक है 32वीं, लास्ट ईयर थी 33वीं, टोटल 37 कंट्रीज को लिया गया, नीदरलैंड टॉप पर, थाईलैंड लास्ट पर, इतना ही पढ़ना है आपको। तो ये हमारी पहली न्यूज थी रिपोर्ट और इंडेक्स से, जो आपने यहां पर देख लिया गाइस, ठीक है। याद रखिएगा हमारे एमसीक्यूज में कुछ नए क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, तो एमसीक्यूज तक आपको बने रहना है गाइस। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने आज के सेकंड न्यूज की, और जो हमारी सेकंड न्यूज है वो गवर्नमेंट स्कीम्स एंड कमेटी पर है। यहां पर हम आपको इंडियन रेलवे की भी इंफॉर्मेशन देंगे और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी इंफॉर्मेशन देंगे गाइस। देखिए पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए, फिर से पढ़िएगा। देखिए एग्जैक्टली में क्या है गाइस कि हमारे देश में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बातें शुरू हुई, मतलब आफ्टर 2014, तो भारत सरकार ने यह तय किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो मेजर वर्क होगा वो नीति आयोग करेगा। यानी नीति आयोग एक बॉडी थी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इसका ये काम होना चाहिए। तो अभी क्या कंडीशन आ गई है, अभी कंडीशन ये हो गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ये दोनों बॉडी आमने सामने आ गए, नीति आयोग एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। तो इन और देखिए बात समझिए, अब दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करेंगे, यानी भारत सरकार को दोनों को देना पड़ेगा पैसा, खर्च होगा ना, बजट होगा, और साथ ही साथ क्या होगा कि भाई काम का डुप्लीकेशन ना हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट का यह सपना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडिया अच्छा करे। तो इसीलिए कमेटी बनाई गई है, जो कमेटी नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के काम को बांटेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, और दोनों को कौन कौन से काम करने चाहिए और साथ ही साथ डुप्लीकेशन वर्क ना हो, इसके लिए कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी को लीड कौन करेंगे, तो इस कमेटी को लीड करेंगे विजय राघवन, जो कि हमारे देश के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर भी हैं। आइए कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, आगे बढ़ते हैं और समझाते हैं क्या क्या पॉइंट है। देखिए यहां पर चलिए, क्योंकि अक्षय ये अपने आप से भी चीजों को समझता है, एलेक्सा है ना, जैसे एप्पल में सीरी है, एलेक्सा होता है, तो अपने से इंटेलिजेंस, इसके अंदर थोड़ा सा इंटेलिजेंस होता है, ठीक है। और हां स्टीफन हॉकिंस ने बोला भी था यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक दिन मानव जाति को खत्म भी करेगा। देखिए द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज फॉर्म अ कमेटी, ठीक है, टू रिजॉल्व द डिफरेंसेस रेज्ड बिटवीन द नीति आयोग एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। तो जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं उनको खत्म करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है, और ये कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी और नीति आयोग के बीच में डिफरेंसेस को खत्म करेगा, ठीक है। देख लीजिए द कमेटी विल इंप्लीमेंट, कमेटी का वर्क क्या है बेसिकली, ये गवर्नमेंट के एम्बिशियस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के लिए बनाया गया है। बेसिकली अगर हम बात करें तो विजय राघवन जो कि हमारे देश के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है, वो इस कमेटी को लीड करेंगे गाइस। और अगर हम आगे बढ़े तो देखिए, तो इस कमेटी का वर्क क्या होगा कि जो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है वो ना हो नीति आयोग और एमआईटीवाई के बीच में,
काम दोनों बॉडी एक ही काम ना करें, ठीक है। दूसरा, इट विल बी स्पेसिफाई द रोल ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्पीड अप द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एआई मिशन। कहने का मतलब कि दोनों बॉडी को कौन कौन से काम करने, मतलब नीति आयोग जो काम करेगा वो ये नहीं करेंगे MEITI, और जो MEITY करेंगे वो नीति आयोग नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब दोनों के वर्किंग एरियाज को डिफाइन भी किया जाएगा, ठीक है, ताकि कोई क्लैश ना हो। चलिए, तो आगे अगर बात करें तो अभी तक हमारे देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या प्रगति हुई है, तो नीति आयोग को ऑलरेडी 7,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। ये मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। तो 7,000 करोड़ रुपीज दिए गए हैं बाय द एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी, और अगर हम MEITY की बात करें, इन्होंने 400 करोड़ रुपए का अपना डिमांड रख दिया है कि हम भी काम करेंगे, ठीक है। और MEITY की बात करें तो नेशनल AI सेंटर भी ये दिल्ली में बनाने वाले हैं, इसकी भी इंफॉर्मेशन दी गई है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने बस आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की बात की कि ये दोनों बॉडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कहां तक पहुंच गए, ठीक है। तो ये हमारी आज की दूसरी न्यूज थी जो हमने कंप्लीट किया गाइस, और हम आगे बढ़ेंगे और नीति आयोग के बारे में बात करेंगे। तो नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 को बनाया गया, पहले इसका नाम था प्लानिंग कमीशन, जो कि चेंज होकर नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी जी हैं, वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार जी हैं, और CEO अमिताभ कांत जी हैं। गाइज, मे बी आपके इंटरव्यूज में आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग। देखिए, डिफरेंस तो बहुत है, स्ट्रक्चर से लेके वर्किंग तक डिफरेंस है, लेकिन अगर एक दो लाइन में समझना हो कि नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के वर्किंग स्टाइल में डिफरेंस क्या, तो मैं 2 मिनट आपका लूंगा ताकि ये भी थोड़ा कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाए थोड़ा सा। देखिए गाइज, सपोज करिए हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये भारत का मैप है, मैं थोड़ा जल्दीबाजी बना रहा हूं, ठीक है फॉर एग्जाम्पल, और मान लीजिए अगर हम बात करें तो जैसे ये वेस्ट बंगाल है, ये उत्तर प्रदेश है, और ये दिल्ली है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो पहले जब प्लानिंग कमीशन था तो प्लानिंग कमीशन दिल्ली में बैठकर हमारे देश में क्या क्या होना चाहिए उसका प्लान करते थे। अब प्लानिंग कमीशन ने प्लान किया कि हमारे देश में एक हाईवे बनना चाहिए, और ये हाईवे वेस्ट बंगाल से होते हुए, उत्तर प्रदेश से होते हुए दिल्ली में जाकर मिलेगा, ठीक है, ये प्लान था इनका। तो अब समझिए, अब बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो गाइस उत्तर प्रदेश में जो ये इन्होंने प्लान किया, तो ये हाईवे लखनऊ कानपुर एरिया से गया। अब यार ये एरिया ऑलरेडी डेवलप था, तो मतलब यूपी की दिक्कत क्या है, यूपी में बुंदेलखंड पूर्वांचल ये सब बड़े पिछड़े इलाके हैं, तो अगर ये हाईवे जाता ऐसे घूमकर तो शायद यूपी को फायदा होता। तो पहले क्या था कि प्लानिंग कमीशन दिल्ली बैठे बैठे प्लान्स करती थी और प्लान्स बनाकर स्टेट गवर्नमेंट को देती थी कि भैया ये इंप्लीमेंट करो। अब स्टेट गवर्नमेंट को वो अधिकार नहीं था कि मतलब स्टेट गवर्नमेंट ये बोले कि नहीं हमें हाईवे यहां नहीं, यहां चाहिए। लेकिन अब जो ये नीति आयोग है इसमें स्टेट गवर्नमेंट बताएगी भाई हाईवे कहां से जाना चाहिए, मतलब प्लान्स कौन दे रहा है, प्लान्स दे रहा है स्टेट गवर्नमेंट, और इंप्लीमेंट कौन करेगा, नीति आयोग। तो मतलब उल्टा कर दिया गया वर्किंग सिस्टम को। ये एक लाइन में मैं आपको डिफरेंस बता रहा था, ठीक है। तो नीति आयोग प्लानिंग कमीशन की बात हम कर रहे थे, वो मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़े गाइस, और अब आज के हम दूसरे स्कीम, दूसरे पॉइंट की बात करेंगे। तो हमारा 2 पॉइंट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी। हाँ, मैं भी पूर्वांचल से हूं, और पूर्वांचल में डेवलपमेंट कहां है ना, अंशुल पांडे, चलिए खूब बात हो रही है आपस में, चलिए बढ़िया अच्छी बात है। तो गाइज, अब हम जो बात करने वाले हैं उसमें थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अब इंडियन रेलवे की बात करने वाले हैं। जब मोदी गवर्नमेंट बनी थी तो मोदी गवर्नमेंट ने बोला था कि हम अपने देश के चारों महानगर को हम हाई स्पीड ट्रेन, सेमी हाई स्पीड ट्रेन से जोड़ेंगे। तो उसी के लिए ये देखिए हुआ, हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल रेल कॉन्फ्रेंस। ये कहां पर हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ। तो इंटरनेशनल रेल कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुआ, इसका इनॉग्रेशन किसने किया, इसका इनॉग्रेशन बीके यादव जी ने किया। अब ये बीके यादव जी कौन है, तो ये रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन हैं। तो इंटरनेशनल रेल कॉन्फ्रेंस में रेलवे ने बताया कि उनके आगे के प्लान्स क्या हैं। देख लीजिए, तो इंडियन रेलवे टू इंट्रोड्यूस ट्रेन्स दैट रन एट 160 किलोमीटर पर आवर स्पीड, 160 किलोमीटर के हिसाब से ट्रेन चलेंगी हमारे देश में, यह रेलवे का सपना है। और रेलवे ने इसका अनाउंसमेंट कहां पे किया, इंटरनेशनल रेल कॉन्फ्रेंस में, जो कि दिल्ली में हुआ, और इसका इनॉग्रेशन वीके यादव जी ने किया। आइए, तो गाइस देखते हैं क्या क्या पॉइंट मैं आपको समझाता हूं। देखिए, तो रेलवे ने क्या बोला, रेलवे टोटल 18,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है इस हाई स्पीड ट्रेन के लिए। और बेसिकली क्या होगा बेटा, इसमें दो ट्रैक चुने गए हैं, दो ट्रैक, एक दिल्ली टू मुंबई
ठीक, और एक दिल्ली टू कोलकाता, दिल्ली टू मुंबई एंड दिल्ली टू कोलकाता। तो ये रेलवे ट्रैक्स होंगे ना, इस रेलवे ट्रैक्स का अपग्रेडेशन किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा। मतलब हमारे जो देश के रेलवे ट्रैक हैं वो बेसिकली मैक्सिमम 110 120 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन के लिए मतलब हैबिचुअल होते हैं, तो अब 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चलेगी तो दिक्कत हो सकती है। डिब्रूगढ़ में एक बार राजधानी एक्सप्रेस का एक्सीडेंट इसीलिए हो गया था, वहां के ट्रैक टूट गए थे। तो सारे ट्रैक की मरम्मत की जाएगी, कहां कहां, दिल्ली मुंबई एंड दिल्ली कोलकाता। ठीक है, तो एक काम ये होगा। और दूसरा ये है बेटा कि मुंबई अहमदाबाद का जो बुलेट ट्रेन कॉरिडोर है उसको भी अपग्रेड किया जाएगा, और इन दोनों के लिए 4 साल दिए गए। मैं आपको आगे बता रहा हूं, सारे पॉइंट मैं बताऊंगा, अभी मैं आपको मोटा मोटा पॉइंट ये सब बता रहा हूं कि ये सब आगे आपको दिखे तो तुरंत आपको चमक जाए। अच्छा सर क्या बात कर रहे थे, तो हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेशनल रेल कॉन्फ्रेंस 2019 की। तो उसमें रेलवे ने क्या क्या अनाउंसमेंट किए, हम उसकी बात करने आपसे जा रहे हैं। देखिए पहला पॉइंट, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अनाउंसमेंट किया है 18,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। क्यों किया है, क्योंकि ये कुछ ट्रेनों को 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाने वाले हैं, और इसका अनाउंसमेंट इंटरनेशनल रेल कॉन्फ्रेंस 2019 में किया गया। तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ेगा। इस दूसरी पॉइंट की बात करें, इसका इनॉग्रेशन वीके यादव जी ने किया जो कि रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन है, यह भी आपको मालूम चल गया। अच्छा, इस कॉन्फ्रेंस में एक एमओयू भी साइन हुआ, किसके बीच में, घाना रेलवे डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और राइट्स लिमिटेड रेलवे की एक सब्सिडियरी कंपनी है। तो राइट्स लिमिटेड इंडिया और घाना रेलवे डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के बीच में एग्रीमेंट भी हुआ इसी कॉन्फ्रेंस में। एक हमने आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और दी गाइस। अब क्या बोला गया, देखो ये इवेंट किसने ऑर्गेनाइज किया, तो ये इवेंट कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और इंडियन रेलवे ने मिलकर किया। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड रेलवे, इंडियन रेलवे ने मिलकर किया। आगे बढ़े गाइस, देखिए तो इंडियन रेलवे के कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में बात करें, तो अंडर द प्रोजेक्ट द रेल रूट ऑन दिल्ली मुंबई, जो मैं आपसे बोल रहा था, एंड दिल्ली कोलकाता। तो दिल्ली मुंबई और दिल्ली कोलकाता के जो रूट्स हैं उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। ठीक, तो पहली इंफॉर्मेशन आपके सामने, और आपको यह इंफॉर्मेशन मैंने पहले ही बता दिया था। चलिए आगे बढ़े विद दिस इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए तो मतलब क्या हुआ, देखिए 160 किलोमीटर की स्पीड पर ट्रेन चलाई जाएगी दिल्ली मुंबई एंड दिल्ली कोलकाता, साथ ही साथ 320 किलोमीटर पर आवर का जो मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर है इसके लिए भी काम किया जाएगा इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो यह भी इंफॉर्मेशन आपके सामने, देख लीजिए। और आगे क्या है, इन दोनों काम को मतलब दिल्ली मुंबई दिल्ली कोलकाता और ये आपका बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, 4 साल रेलवे ने बोले कि 4 साल हमें लगेंगे। इसके अलावा गाइस मैंने आपको बताया था कि इंडियन रेलवे ने बोला है कि 2030 तक इंडियन रेलवे जीरो कार्बन एमिटर होगा, मतलब कि डीजल और कोयला ये सब इंजन बंद हो जाएंगे। तो इंडियन रेलवे इसके साथ 68,000 किलोमीटर का जो ट्रैक है उसको क्या करने वाली है, उसको इलेक्ट्रीफाइंग करने वाली है। तीन साल में इन सारे 68,000 ट्रैक को इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाएगा। तो यह भी इंफॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं, देख लीजिए ये सारे पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ क्या बोला गया है, इट ऑल्सो प्लान टू इंप्लीमेंट मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट इन द 34,000 किलोमीटर रेल इन द नेटवर्क इन अ फेज्ड मैनर, और 34,000 किलोमीटर जो रेलवे ट्रैक है उसको मल्टी ट्रैक किया जाएगा, मतलब सिंगल ट्रैक है डबल ट्रैक, डबल है तो 4 ट्रैक, जहां पर जंक्शन की जरूरत पड़ेगी वहां वो बनाएंगे 34,000 किलोमीटर। तो ये सब कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए, आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट याद हो जाएंगे आज के आज। चलिए गाइस, तो ये थी हमारी आज की तीसरी न्यूज जो हमने आपको यहां पर इंफॉर्मेशन दे दी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं अपॉइंटमेंट एंड डेजिग्नेशन की। और सबसे पहले हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के न्यू चेयरमैन की। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के न्यू चेयरमैन कौन बन गया है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है ब्रजराज शर्मा। तो ब्रजराज शर्मा को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का नया चेयरमैन अपॉइंट कर दिया गया है। सिंपल सा पॉइंट है आपके सामने, तो अपॉइंटेड पर्सन का नाम क्या है भाई, ब्रजराज शर्मा। ये किस पोस्ट पे अपॉइंट हुए हैं, चेयरमैन ऑफ द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, चेयरमैन बने हैं एसएससी के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के। ठीक है, अगर दूसरे अपॉइंटमेंट की बात करें गाइस, तो दीपम के बारे में हम लोग अपने सीएम में पहले भी बात कर चुके हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट्स मैनेजमेंट,
मतलब भारत सरकार जो डिसइन्वेस्टमेंट करती है, भारत सरकार जो डिसइन्वेस्टमेंट करती है, अब ये डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? विनिवेश बोलते हैं। विनिवेश, विनिवेश मतलब निवेश को कम करना। मतलब भारत सरकार, जैसे मान लीजिए ओएनजीसी है, ओएनजीसी इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी है और ओएनजीसी में गवर्नमेंट के 100% शेयर है, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट को पैसे की नीड पड़ेगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट अपने ओएनजीसी का कुछ परसेंट स्टेक, फॉर एग्जांपल 5%, ये बेच देगी मुकेश अंबानी जी को, ठीक है। तो मुकेश अंबानी को बेच देगी तो मतलब क्या हुआ? मुकेश अंबानी इस 5% के लिए गवर्नमेंट को देंगे पैसे और अब गवर्नमेंट का शेयर 95% ही रहेगा। इसे हम क्या बोलते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। यानी गवर्नमेंट अपने कंपनीज के शेयर सेल करती है और पैसा उठाती है मार्केट से। और इस बार के बजट में यह बताया भी है कि गवर्नमेंट का टारगेट है 1,05,000 1.05 लाख करोड़ रुपीस का डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा उठाना। तो तुहीन कांता पांडे को दीपम, तो ये डिसइन्वेस्टमेंट कौन देखेगा? ये दीपम देखेगी पूरी। ये जो गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट का काम है, ये दीपम वॉच करेगी पूरी, ठीक। तो तुहीन कांता पांडे को अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी ऑफ द दीपम, ठीक है। याद कर लीजिएगा तुहीन कांता पांडे, अंशुल पांडे का नाम याद कर लीजिए, कहानियां बना लेंगे, तुहीन कांता पांडे, ठीक है। तो अपॉइंटेड पर्सन का नाम क्या है? तुहीन कांता पांडे। कौन सी पोस्ट? ये सेक्रेटरी बने हैं दीपम में और इन्होंने अनिल कुमार खांची को रिप्लेस किया, अनिल कुमार खांची को रिप्लेस किया है। तो एक इंफॉर्मेशन और भी हमने आपको बता दी गाइस। आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे अपॉइंटमेंट के तीसरे पॉइंट की, और हम किसकी बात करने वाले हैं? पंकज कुमार की। तो पंकज कुमार इज अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ यूआईडीएआई। तो यूआईडीएआई गाइस आपको पता है ये हमारे आधार कार्ड बनाती है। तो पंकज कुमार इज अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ यूआईडीएआई। आई होप कि आपको ये बात याद हो जाएगी। देख लीजिए, अपॉइंटेड पर्सन नेम पंकज कुमार, नाम, इनकी पोस्ट क्या है, ये सीईओ बने हैं किसमें? यूआईडीएआई के। तो ये भी आपको इंफॉर्मेशन दे दी गई। यानी गाइस एक बार हल्का सा रिवीजन कर ले तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ब्रजराज शर्मा ये चेयरमैन बने हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, हमने तुहीन कांता पांडे की बात करी ये सेक्रेटरी बने दीपम में, और हमने बात की किसकी? हमने बात की आपकी पंकज कुमार की, ये क्या बने हैं? सीईओ बने हैं यूआईडीएआई के। तो आई होप कि आपको ये तीनों पॉइंट अभी तुरंत याद हो गए होंगे, ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने एक क्वेश्चन की, हु अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो एनएसजी के नए डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं? सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ाया भी गया आपको, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, आंसर की बात करें, आंसर इज अनूप कुमार सिंह, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन सिलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ द वर्किंग कमेटी एंड डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो देख लीजिए यहां पर क्या पूछा गया आपसे कि इसमें से कौन चेयरमैन बने हैं वर्किंग कमेटी और एंड डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज डब्ल्यूएफपी। ये भी मैंने आपको पढ़ाया डब्ल्यूएफपी, और इनका नाम क्या है? इनका नाम है विक्रम लिमाय, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरपर्सन। तीसरा क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए? वी हैव फोर ऑप्शंस, और इसका आंसर क्या होगा गाइस? इसका आंसर होगा विजय पाटिल, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। विजय पाटिल इज राइट आंसर। आइए गाइस आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, निगम शर्मा जी थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नेम्ड एज द चेयरपर्सन ऑफ द आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल। चेयरपर्सन ऑफ द आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल, गलती से मिस्टेक ये हो गया है कि आंसर आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है, राजेंद्र मेनन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे अवार्ड एंड ऑनर की, और अवार्ड एंड ऑनर में सबसे पहले हम किसकी बात करने वाले हैं? सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपसे, देख लीजिए किस पॉइंट की, यस बैंक की। तो यस बैंक को अभी एक अवार्ड मिला, आइए उसके बारे में बात करें। तो यस बैंक वॉन द डिजिधन मिशन डिजिटल पेमेंट अवार्ड। तो यस बैंक को कौन सा अवार्ड मिला? डिजिधन मिशन डिजिटल पेमेंट अवार्ड। आइए पूरी इंफॉर्मेशन की बात आगे करते हैं। देखिए अवार्ड का नाम, अवार्ड का नाम है डिजिधन मिशन डिजिटल पेमेंट अवार्ड, नाम है। कौन सी कैटेगरी में यह अवार्ड मिला? ओवरऑल परफॉर्मेंस इन डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट में ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए इनको यह अवार्ड मिला। भाई फोन पे इन्हीं का है तो अवार्ड तो मिलना ही मिलना है, ठीक। विनर यस बैंक आपके सामने।
तो यस बैंक की बात करें, अवार्ड का नाम डिजी धन मिशन डिजिटल पेमेंट अवार्ड, कैटेगरी ओवरऑल परफॉर्मेंस इन डिजिटल पेमेंट, यस बैंक। तो ये हमारा एक अवार्ड था, आई थिंक आप लोग आराम से नाम याद कर लोगे। इस अवार्ड को किसने दिया? इस अवार्ड को रविशंकर प्रसाद जी ने की दिया, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी एंड लॉ एंड जस्टिस भी हैं, और इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया पटना साहिब बिहार भी है, ठीक है। ये अवार्ड फंक्शन कहां हुआ? तो गाइज आपको कल मैंने क्या पढ़ाया था, कल मैंने आपको यूपीआई 2.0 पढ़ाया था, तो भीम 2.0 पढ़ाया था ना, तो भीम 2.0 कहां लॉन्च हुआ था? वो भी यही लॉन्च हुआ था, तो MEITY, अभी मैंने इसके बारे में बताया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी, ठीक। तो MEITY स्टार्टअप समिट ये कहां पर हुआ? दिल्ली में, जहां पर ये अवार्ड दिया गया। तो अगर हम बात करें MEITY स्टार्टअप समिट, मतलब एक पॉइंट हमें और मिल गया कि भाई MEITY स्टार्टअप समिट कहां पर हुआ? दिल्ली में हुआ, और दिल्ली में हुआ जहां पर ये अवार्ड फंक्शन हुआ, और साथ ही साथ भीम 2.0 को भी लॉन्च किया गया था यहीं पर, ठीक है। तो ये भी याद कर लेंगे, हम आगे बढ़े और आगे बढ़े और अब बात करेंगे अबाउट यस बैंक। तो यस बैंक की बात करें तो यस बैंक में सीईओ कौन है? रवनीत गिल है, ठीक है, रवनीत गिल। चलिए, तो यस बैंक को 2004 में बनाया गया, ब्रह्मदत्त इसके चेयरमैन है, रवनीत गिल इसके सीईओ हैं, हेडक्वार्टर मुंबई है, टैगलाइन एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज, ये भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए गाइस आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर होगा। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर है, इसमें कौन से पॉइंट आपके लिए हैं, आइए उसके बारे में आपसे बात करने हम जा रहे हैं, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं गाइस, ठीक। देखिए तो साइंस टेक में हम बात करें तो टिकटॉक सरपासेस फेसबुक इंस्टाग्राम इन एप्लीकेशन डाउनलोड। तो पूरे वर्ल्ड में जितना भी एप्लीकेशन डाउनलोड होता है, तो टिकटॉक ने फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, लाइकी को, सबको छोड़ दिया पीछे और टिकटॉक नंबर एक पर आ गया पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डाउनलोड के मामले में। और देखें, और हैरानी वाली न्यूज देखें, देखिए तो अगर हम बात करें टिकटॉक की, तो टिकटॉक ने सरपास कर दिया है, मतलब पिछोड़ दिया है किसको, तो जैसे लाइक इंस्टाग्राम को, स्नैपचैट को, हेलो को, ट्विटर को छोड़ दिया है पीछे, ठीक। और आपको इंफॉर्मेशन दे, देख लीजिए, तो अगर हम इसके टोटल डाउनलोड की बात करें तो अकेले 44% डाउनलोड जो होता है वो इंडिया में होता है इसका, बाप रे बाप, है ना, कितने इंडिया में खाली लोग हैं यार। तो डाउनलोड फ्रॉम इंडिया कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 44% ऑफ इट्स टोटल डाउनलोड। मैं आपको एक अंदर की इंफॉर्मेशन दूं, हमारे जो श्याम असारे सर हैं, बहुत बड़े फैन, बारजे पर खड़े ऐसे हो जाते हैं, ऐसे ऐसे करके, हाँ, और कॉफी लेते हैं और अपना एक वीडियो बनाते हैं गाने के साथ और फिर डिलीट भी कर देते हैं, बिकॉज वो एजुकेटर है तो वो डाल नहीं सकते, उनका मन बहुत होता है डालने का। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं यार, वो लोकेशन सेलेक्ट करते हैं कि इस लोकेशन पे जाकर यहां पर इस तरह वीडियो बनानी है, रेलवे के ट्रैक पर बैठ जाएंगे, मतलब कोई काम ही नहीं है यार। मुझे लगता है कि यार कैसे इतने खाली है लोग ऐसे हैं, और बुढ़ौती में सब करना वो भी अच्छा नहीं लगता, है ना। चलिए तो क्या बात कर रहे हैं हम लोग, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं डाउनलोड फ्रॉम इंडिया, तो ठीक है ये हो गया। फेसबुक दूसरे नंबर पे और इंडिया से 23% लोगों ने डाउनलोड किया, मतलब टोटल डाउनलोड की बात करें तो इंडिया से 23%। तीसरे नंबर पे इंस्टाग्राम, तीसरे पे, चौथे पे लाइकी, पांचवें पे स्नैपचैट, ये है। तो टॉप फाइव की बात करें तो टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लाइकी एंड स्नैपचैट। तो ये आपके सामने पूरी लिस्ट हमने आपको पकड़ा दी। हाँ, मेरे पास तो टिकटॉक का ऐप नहीं है, क्या करेंगे यार, मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो इंडियन एयरफोर्स की बात कर रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स ने ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है फ्रॉम मोबाइल प्लेटफॉर्म। तो गाइस मोबाइल प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हुआ? ऐसा प्लेटफॉर्म जिसे आप मूव कर सकते हो। मतलब अभी तक क्या था कि ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें, अगर हम सरफेस की बात करें तो इसके अपने सेंटर्स होते हैं जहां से लॉन्च किया जाता है। तो कल को हो सकता हो कि अगर मान लीजिए लड़ाई हो तो दुश्मन हमारे उन सेंटर्स को टारगेट कर सकता है। तो हमने क्या किया, हमने इसको मोबाइल प्लेटफॉर्म, जैसे ये ट्रक्स दिख रहे हैं आपको, है ना, तो इसके थ्रू हमने एक्सपेरिमेंट किया और ये सफल भी रहा। कहां से किया मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं। देखिए तो इंडियन एयरफोर्स की बात करें, इन्होंने टेस्ट फायर कर लिया है ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल की बात कर रहे हैं, ठीक है। मोबाइल प्लेटफॉर्म एट ट्रैक आईलैंड
इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. तो अंडमान निकोबार आइलैंड का जो ट्रैक आइलैंड है, वहां से इंडियन एयरफोर्स ने ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस वर्जन का एक एक्सपेरिमेंट किया है और ये सक्सेस हो गया है फ्रॉम अ मोबाइल प्लेटफॉर्म. अच्छा, इस मिसाइल का वेट कितना था? इस मिसाइल का वेट था 2.5 टन और ये मिसाइल सरफेस टू सरफेस मिसाइल थी और इसकी रेंज 300 किलोमीटर है. ये सरफेस टू सरफेस में इतना जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि यार इस ब्रह्मोस मिसाइल के तीनों वर्जन है, एयर भी है, सरफेस भी है, पानी से भी हो गया है, इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूं. मोबाइल प्लेटफॉर्म का मतलब हो गया सर्फेस टू सर्फेस, है ना. चलिए, तो ये पॉइंट हो गया गाइस, आगे बढ़ेंगे. अब यहां पर एक क्वेश्चन आपके लिए, विच कंट्री हैज साइंड एन एग्रीमेंट अबाउट द शेयरिंग ऑफ द व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन विद द इंडियन नेवी. व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन, चलिए गाइस आंसर फटाक से बोलिए. हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर फिलीपींस होगा, ऑप्शन नंबर सी. तो फिलीपींस इज राइट आंसर. अभी राष्ट्रपति जी गए थे ना फिलीपींस, तो वहां पर 4 MOU साइन हुए, 4 MOU. तो इन 4 MOU से 1 MOU ये भी था. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की. विच कंट्री रिसेंटली टेस्ट फायर पुक गुक सॉन्ग 3 न्यू टाइप ऑफ सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल ऑन 2 अक्टूबर. 2 अक्टूबर को किस कंट्री ने अपना ये पुगुक सॉन्ग नाम का ये मिसाइल लॉन्च किया, मतलब टेस्ट फायर किया? और इसका आंसर क्या होगा? नाम से लग रहा है या तो होगा जापान, या तो होगा नॉर्थ कोरिया, या तो साउथ कोरिया. लेकिन ये नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, स्कॉर्पियन सबमरीन खंडेरी विल बी द विच नंबर सबमरीन ऑफ द इंडियन नेवी. तो अभी आपने पढ़ा था ना, खंडेरी को कमीशन किया गया मझगांव डॉकयार्ड से. ठीक है, तो आपको बताना है कि ये कौन से नंबर की सबमरीन है और वी हैव 4 ऑप्शंस. और गाइस आंसर की बात करेंगे, इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज 17th, ऑप्शन नंबर बी 17th इज राइट आंसर. चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. नेम द इंडियन नेवल शिप विच इज पार्टिसिपेटिंग इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ ट्राइलेटरल एक्सरसाइज सिटमैक्स. आपको बताया ना कि ये इंडिया सिंगापुर थाईलैंड के बीच में हुआ, तो आपको बताना है कि कौन सा इंडिया का शिप इसमें पार्टिसिपेट किया था और इसका आंसर क्या होगा. And the answer is INS Ranveer, option number A is right answer. चलिए guys, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं national affairs की. और national affairs में हम सबसे पहले बात करेंगे पल्स पोलियो की. Guys, 1995 में हमारे देश में पल्स पोलियो की शुरुआत हुई, मतलब कि पोलियो के लिए वैक्सीनेशन. और हमने टारगेट सेट किया था कि इंडिया को पोलियो फ्री बनाना है और ये अचीवमेंट पूरा हुआ हमारा 2014 में इंडिया को पोलियो फ्री देश घोषित कर दिया गया. और अब हम बात करें अक्टूबर 19 की, तो ये क्या है? ये सिल्वर जुबली होगी पल्स पोलियो अभियान की. 1995 में शुरू हुआ ये पल्स पोलियो अभियान, 2014 में इंडिया को पोलियो फ्री कह दिया गया और अक्टूबर 19 का मतलब डेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 2019. ठीक, तो ये जो पोलियो प्रोग्राम था इसके सिल्वर जुबली हो गए. देख लीजिए आपके सामने, इंडिया टू सेलिब्रेट द सिल्वर जुबली ऑफ पल्स पोलियो प्रोग्राम ऑन 31st अक्टूबर. ठीक है, देख लीजिए, तो 25 साल कंप्लीट हो गया, मतलब सिल्वर जुबली जिसकी हम बात कर रहे हैं. इसके लिए न्यू दिल्ली में एक इवेंट होगा, ये इतना पढ़ना जरूरी नहीं है आपको, आपको 25 साल कंप्लीट याद रखने. हाँ, जो डेट याद रखने है, ईयर, तो 2014 में इंडिया को डिक्लेयर कर दिया गया पोलियो फ्री और 1995 में ये पल्स पोलियो अभियान जो था ये शुरू किया गया था. तो वो सारे पॉइंट हमने आपको बता दिए, अब सुन लीजिए. देखिए, 31st अक्टूबर को इंडिया जो है तो ये सिल्वर जुबली मनाएगा. साथ ही साथ एक स्कीम भी लॉन्च हो रही है, एक स्कीम जिसका नाम क्या है? इंद्रधनुष 2.0. देखिए, तो गाइस अगर आपको याद है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, 2017 में ऑलरेडी ये स्कीम लॉन्च की गई थी, इंद्रधनुष 1. तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो हमारे देश में जो बच्चे हैं और प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको 7 तरह की बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीनेशन दिया जाता है, 7 टाइप की बीमारियां. ठीक है, तो इंद्रधनुष 1 लॉन्च था और अभी इंद्रधनुष 2.0 लॉन्च हो रहा है इसी मौके पर, याद रखिएगा इंद्रधनुष 2.0. ठीक है, तो हम आगे बढ़े और बात करें क्या हम लोग नेक्स्ट न्यूज की बात करें. देखिए गाइस,
तो मैं आपको बताऊं, मैंने हमेशा बोला है कि मतलब ये देश कौन चला रहा है, ये दुनिया कौन चला रही है, ये मेरे अपने शब्द हैं और ये मैंने कहीं से पढ़ा वढ़ा नहीं है, मैं अपना पॉइंट बोल रहा हूं। तो मुझे लगता है कि कभी कभी की पूरा ये वर्ल्ड ही है ना, ये बिजनेसमैन चला रहा है। हाँ एग्जैक्टली, देखिए ना, तो पीएम मीट विद द जेपी मॉर्गन इंटरनेशनल काउंसिल इन न्यू दिल्ली। तो जेपी मॉर्गन आप लोग जानते हैं, ये बैंक है, बेसिकली बैंक नहीं, ये एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है और ये पूरे वर्ल्ड में मतलब जेपी मॉर्गन का सबसे बड़ा, इनका म्यूचुअल फंड चलता है, इनकी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग चलती है, इनकी बैंकिंग चलती है, मतलब बोलते जस्ट लाइक किंग जेपी मॉर्गन। तो जेपी मॉर्गन की जो इंटरनेशनल काउंसिल है वो अभी इंडिया में आई और इंडिया में आकर नरेंद्र मोदी जी से मिली। आप बोलेंगे सर आपने ये क्यों बोला था कि मतलब बिजनेसमैन चला रहे हैं। तो मैंने जब ये न्यूज में देखा, मैं पढ़ा, तो जब इसके मेंबर्स को मैंने पढ़ना शुरू किया यार, तो इसके मेंबर्स में कोई फॉर्मर प्रेसिडेंट किसी कंट्री का, कोई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, इवन रतन टाटा, जैकमा, ये लोग मतलब हर देश के टॉप के बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, डिफेंस सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर, डेविड कैमरन भी है इसमें, मतलब वो लोग। तो मतलब मैंने कहा अच्छा, तो इनका काम क्या होगा मतलब जेपी मॉर्गन में। फिलहाल आप लोग भी न्यूज देखिए ध्यान से, तो ये लोग इंडिया में आए और इंडिया में आके नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ठीक है, देखिए, तो जेपी मॉर्गन इंटरनेशनल काउंसिल की हम बात कर रहे हैं, न्यू दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के आवास पर इनकी मुलाकात हुई, जहां पर नरेंद्र मोदी जी ने अपने विजन के बारे में बताया, फॉर मेकिंग इंडिया अ $5 trillion इकोनॉमी बाई 2024। ठीक है, तो ये भी इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दिया। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे स्पोर्ट्स की, और स्पोर्ट्स में आपके लिए हम कौन से पॉइंट लेके आए हैं थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। देखिए, पहला तो 2024 ओलंपिक गेम्स लोगो अनविल्ज इन पेरिस। तो गाइस आपको पता है कि 2024 में जो ओलंपिक होने वाला है वो फ्रांस में होगा और 28 वाला यूएसए लॉस एंजल्स में होगा। तो 24 का लोगो लॉन्च कर दिया गया है और अगर हम देखें तो यहां पर आपको एक लेडी की तरह दिखाई पड़ रहा होगा, है ना, ये फायर नहीं है, देखो ये बाल है, ये हेयर स्टाइल की बात हम कर ले, ठीक है, और ये लिप्स भी हैं यहां पे। ठीक, क्या इसका मतलब है मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, और यहां पर देखिए कुछ डिजाइन बनाया गया है। तो मैं आपको बताऊं, 1924 में, इससे पहले 1924 में फ्रांस में ओलंपिक गेम्स हुए थे, तो उस समय एक तरह की आर्ट शैली डेको वो उसका यूज किया गया था 1924 में ओलंपिक को, मतलब ओलंपिक इवेंट को डेकोरेट करने के लिए। तो उसी को फिर से लाया गया है और ये जो है ना, ये इनका नाम क्या है, ये एक देवी मानी जाती है, आप कह सकते हो कि गॉडनेस ऑफ लिबर्टी। तो जैसे हमारे यहां महात्मा गांधी जी की आपको स्टैच्यू हर जगह मिल जाएगी, तो फ्रांस की जब रिवोल्यूशन हुआ था तो वहां पर इन लेडी से प्रेरणा ली गई थी, तो ये उन्हीं का सिंबल है। एग्जैक्टली, मैं आपको मैं आगे दिखा रहा हूं पूरा न्यूज देखिए। द लोगो पेरिस 2024 जो है ओलंपिक का, ये लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए 1924 में जब ओलंपिक हुआ था तो वहां पर पेरिस, सॉरी कौन सा, देखिए हाँ, तो देखिए जो पेरिस में 2024 में लोगो लॉन्च हुआ है, इसका यूज किया गया है आर्ट डेको स्टाइल जो मैं बोल रहा था। ठीक है, इसका यूज किया गया है क्योंकि 1924 में जब पेरिस ने लास्ट टाइम होस्ट किया था तो उस समय आर्ट डेको स्टाइल का ही डेकोरेशन किया गया था, तो इस बार क्या है, उसी तरह उसी का यूज किया गया है। और देखिए यहां पर ऑल्सो इनकॉर्पोरेट द लिप्स एंड आउटलाइन ऑफ द मैरियानी। देखिए ये क्या है, ये पर्सोनिफिकेशन है ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन सिंस द रिवोल्यूशन इन 1789। तो 1789 में फ्रांस की क्रांति में ये मतलब ये मैरियाने जो है इनको इनको एज ए सिंबल यूज किया गया था। मैंने क्या बोला था, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी, ये गॉडनेस है, ये देवी है, वहां मानी जाती है। ठीक है, और फ्रांस में कई जगह पे मतलब मैक्सिमम जगहों पे आपको इनकी इमेज, इनकी मूर्ति वूर्ति देखने को मिलती है, तो उन्हीं को मानकर ये लोगो डिजाइन किया गया है। मैं एग्जैक्टली मैं ये बता रहा हूं। ठीक है, तो स्पोर्ट्स में एक न्यूज मैंने आपको वो दी, एक न्यूज ये, तो ग्रीम स्मिथ हैज बीन इलेक्टेड एज द एमसीसी लाइफ टाइम मेंबर। तो एमसीसी का मतलब मैरी लबोने। तो इन्हें क्या है, तो ग्रीम स्मिथ की बात कर रही है, मैरी लबोने क्रिकेट क्लब में इन्हें लाइफ टाइम मेंबरशिप दे दी गई है। इनके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के एक ऑफ स्पिनर थे टीम में, इनको भी मेंबरशिप दी गई है। तो ग्रीम स्मिथ, इनको मेंबर बनाया गया है मैरी लबोने क्रिकेट क्लब का, और इनके साथ साथ टीम में को भी बनाया गया है, दो लोग। ठीक है, आगे देखिए आपसे क्या बोला गया कि 2019 में ही पॉल कॉलिंगवुड इंग्लैंड, एबी डिविलियर्स साउथ अफ्रीका, मिशेल जॉनसन ऑस्ट्रेलिया, और एड्रियन मॉर्गन, आई थिंक मॉर्गन है तो शायद इंग्लैंड के होंगे। ठीक है, इन लोग को भी लाइफ टाइम मेंबरशिप दी गई थी एमसीसी की।
इसके प्रेसिडेंट कौन है? कुमार संगकारा, शायद आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्स्ट्रा हाईलाइट में। तो एक्स्ट्रा हाईलाइट में कौन कौन सी न्यूज हमारे पास है वो देख लेते हैं। तो फाइनली सौरभ गांगुली को प्रेसिडेंट बना दिया गया बीसीसीआई का, और ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं? 39th। गाइस देखिए, सिंपल क्वेश्चन देखने में लगता है लेकिन आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा तो इतना सिंपल नहीं आएगा कि कौन बना है प्रेसिडेंट। सारी इंडिया जान रही है कौन बना है, सौरभ गांगुली। ठीक है, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी नहीं भी करता है वो भी जानेगा, लेकिन कौन से नंबर के बने हैं तो ये जानना आपका काम है। 39th नंबर के ये बने हैं, आइए इनके बारे में बात कर लें। देखिए, सौरभ गांगुली को फाइनली 39th प्रेसिडेंट बना दिया गया है बीसीसीआई का। एग्जैक्टली में जब आईपीएल के घोटाले हुए थे और बहुत सारे डिस्प्यूट सामने आए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएल का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसे भंग कर दिया था, और 33 महीनों से इस पूरे बीसीसीआई को कौन चला रहा था? कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, 3 मेंबर इसमें थे। लेकिन फाइनली अब यह खत्म हो चुका है और सौरभ गांगुली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो इनके साथ साथ और कौन कौन क्या क्या बना है? तो अगर अमित शाह जी के लड़के की बात करें जय शाह, तो जय शाह बने हैं सेक्रेटरी, यानी बीसीसीआई के सचिव बने। अरुण धूमल जो कि अनुराग ठाकुर के भाई हैं, अरुण धूमल ये क्या बने हैं? ये ट्रेजर बने, मतलब खजांची बने, मतलब कोषाध्यक्ष बने हैं। साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट कौन बना है? तो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं महिम वर्मा। ज्वाइंट सेक्रेटरी कौन बना है? देख लीजिए, तो जयेश जॉर्ज। और कौंसिलियर कौन बना है? तो प्रभतेज सिंह भाटिया। तो गाइस, सौरभ गांगुली का नाम शायद एग्जाम में ना है लेकिन आपका इसमें नाम पूछा जा सकता है। तो जय शाह हो गए, अरुण धूमल हो गए, महिम वर्मा हो गए, जयेश जॉर्ज हो गए और प्रभतेज सिंह भाटिया, इन सबके नाम आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। जो मैं आपको बोला था कि इस बार अक्टूबर में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंद्रधनुष 2.0 लॉन्च कर रही है। ठीक है, ये आपको शायद क्लियर है पॉइंट, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। इसमें 7 टाइप के वायरस से बचने के लिए वैक्सीनेशन किया जाता है और गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि हम पूरे देश में 271 डिस्ट्रिक्ट, मतलब शहर, और साथ ही साथ अगर यूपी और बिहार की बात करें तो यूपी एंड बिहार में 652 ब्लॉक्स, ब्लॉक्स का मतलब बेसिकली गांव, कुछ गांव को मिला के ब्लॉक बनते हैं, वहां पर ये वैक्सीनेशन किया जाएगा। किससे किया जाएगा? ऐसे बच्चे जिनकी एज 2 साल तक उसके ऊपर नहीं, ठीक है, और साथ ही साथ प्रेग्नेंट वुमेन, तो उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। नंबर्स थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, आपको देखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, अब बात करते हैं हम लोग आज के अपने एक्स्ट्रा हाईलाइट में न्यूज नंबर 3 की, और हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल स्नो लियोपार्ड डे। लियोपार्ड मतलब तेंदुआ, तो जो पहाड़ी तेंदुए होते हैं उनके लिए दिवस अक्टूबर 23 को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर। और हमारे देश के जो यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है प्रकाश जावड़ेकर जी, इन्होंने अनाउंसमेंट भी कर दिया कि पहली बार फर्स्ट नेशनल प्रोटोकॉल स्नो लियोपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया ये किया जाएगा। यानी कि स्नो लियोपर्ड की पॉपुलेशन को हम काउंट ऑन करेंगे जैसे हम टाइगर के लिए करते हैं, तो इसका अनाउंसमेंट हुआ है, ये देख लीजिएगा। और ठीक है, इतना पढ़ना है। नेक्स्ट न्यूज की बात करें, यहां इमेज नहीं लग पाई उसके लिए आई एम रियली सॉरी। देखिए, एडा IRDAI, तो एडा ने चोला मंडलम एक कंपनी इंश्योरेंस की, चोला मंडलम पर पेनाल्टी लगा दी है 1.01 करोड़ रुपए की। तो IRDAI ने चोला मंडलम पर एक पेनाल्टी लगाई है, और ये पेनाल्टी कितने की है? ये पेनाल्टी देख लीजिए 1.01 करोड़ रुपीस की है। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, इतना याद रखिएगा, एडा ने चोला मंडलम पर 1.01 करोड़ की पेनाल्टी लगाई है। गाइस आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तो QS की बात करें, QS की अपना सेकंड एडिशन रिपोर्ट आ गई है और इसमें IIT बॉम्बे ने फिर से टॉप किया है। तो IIT बॉम्बे अगेन टॉप दिस ईयर QS इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020, मतलब साल भर में अगर हम बात करें दो बार आती है। देखिए, द लेटेस्ट सेकंड एडिशन ऑफ QS, मतलब फुल फॉर्म यहां पर दिया है, इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें और इसमें फिर से IIT बॉम्बे ने टॉप किया है। तो IIT बॉम्बे ने टॉप किया है, दूसरे नंबर पे IISc बेंगलुरु है और तीसरे नंबर पे IIT दिल्ली है। देख लीजिए, तो IIT बॉम्बे पहले नंबर पे, IISc दूसरे नंबर पे और IIT दिल्ली तीसरे नंबर पे है, तो ये भी याद कर सकते हैं आप लोग। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे।
हकलाहट, जो लोग हकलाते नहीं। तो अंतरराष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस 22 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे की हम बात कर रहे हैं, 22 अक्टूबर को यह सेलिब्रेट किया गया। आइए देखते हैं क्या क्या पॉइंट है। तो हम किस डे की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे की, जो कि 22 अक्टूबर को हुआ और इसकी थीम क्या थी, ग्रोथ थ्रू स्पीकिंग, ग्रोथ थ्रू स्पीकिंग। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं गाइस, और आज एक्स्ट्रा हाईलाइट के लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो डीएससीआई ने एक टेक सागर पोर्टल लॉन्च किया, अ नॉलेज रिपोजिटरी फॉर बिजनेस स्टार्टअप एंड रिसर्चर्स। मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे नहीं हमारे पास टेलीफोन डायरेक्टरी होती है, किसी का नंबर देखना है तो हम डायरेक्टरी में सर्च करते हैं, है ना। या फिर फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास YouTube ही है, एजुकेशनल वीडियो की रिपोजिटरी है, हमने नाम सर्च किया हमको मालूम चल गया कौन एजुकेटर पढ़ा रहा है, कहां पढ़ा रहा है, ठीक है। तो वैसे ही क्या है कि DSCI ने हमारे देश में एक तरह का पोर्टल बनाया, हमारे देश में जितनी भी इंडस्ट्री है, स्टार्टअप है, जो भी है, उन सब की रिपोजिटरी, जो नई नई कंपनीज आ रही है उनकी रिपोजिटरी, ताकि हमको ये इंफॉर्मेशन रहे कौन कौन सी कंपनी इंडिया में काम कर रही है, कौन कौन से स्टार्टअप काम कर रहे हैं। तो डीएसआई का मतलब क्या हुआ, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इन्होंने टेक सागर नाम का एक पोर्टल बनाया है, विच लिस्ट एवरी टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस एंड रिसर्च एंटिटीज। टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी की हम बात कर रहे हैं, वो सारी कंपनी की इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिल जाएगी। मतलब इस पोर्टल में ऑल आईटी इंडस्ट्री, स्टार्टअप, अकेडमिया का मतलब जो आईटी इंडस्ट्री में मतलब बेसिकली अकेडमिक वाला वर्क करते हैं, और इवन इंडिविजुअल रिसर्चर, अगर कोई इंडिविजुअल रिसर्चर भी है तो इन सबकी इंफॉर्मेशन क्या होगी, इन सबकी इंफॉर्मेशन इस टेक सागर नाम के पोर्टल मिलेगी। ये टेक सागर पोर्टल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम याद कर लीजिएगा। चलिए गाइस आगे बढ़ेंगे, और इसमें बताया गया कि द प्लेटफॉर्म विल बी फ्रिक्वेंटली अपडेटेड विद, ठीक है ये सब पढ़ना नहीं है हमको। चलिए हाँ देख लीजिए, द पोर्टल वॉज लॉन्च बाय, किसने लॉन्च किया, राजेश पंत कौन है, ये नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ऑफ इंडिया है। राजेश पंत नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ऑफ इंडिया है, याद कर लीजिए गाइस। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एमसीक्यूज की, और एमसीक्यूज की हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने गाइस देख लीजिए, In which country demonstration are going on in response to a proposed tax on calls via WhatsApp and other messaging services? तो इस देश की जनता सड़कों पर आ गई है, बिकॉज यहां की गवर्नमेंट ने बोला कि भाई WhatsApp कॉल पर और अदर मैसेजिंग पर हम टैक्स लगा रहे हैं। तो देश की जनता से सहा नहीं गया, मतलब इस देश में भी इंडिया की तरह खाली लोग हैं। आंसर दीजिएगा, सूडान, लेबनन, ऑस्ट्रिया एंड केन्या, वी हैव फोर ऑप्शंस। और अगर गाइस आंसर की बात करें, एंड द आंसर इज लेबनन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। गाइस आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर टू की, द आयुर्वेदा पैलिएटिव केयर यूनिट वॉज इनॉग्रेटेड रिसेंटली इन विच सिटी। आयुर्वेदा पैलिएटिव केयर यूनिट का मतलब एक तरह की यूनिट जहां पर आयुर्वेदा के ट्रीटमेंट कराए जाएंगे। तो ये आयुर्वेदा पैलिएटिव केयर यूनिट ये कहां पर इनॉग्रेशन हुआ, ये आपसे पूछा गया, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, पुणे एंड हरिद्वार, वी हैव फोर ऑप्शंस। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर एज वेल। दोनों यूटी के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं, ये आपसे पूछा गया है, वी हैव फोर ऑप्शंस। मैं हट रहा हूं वरना मेरे ऊपर आरोप लगने शुरू हो जाते हैं। आंसर, इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज सत्यपाल मलिक, ऑप्शन नंबर बी। पूरा गेम सेट है पहले से ही, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड हेड ऑफ टिकटॉक इन इंडिया। चलिए आप लोग का जो फेवरेट टिकटॉक है, जिसपे आप लोग काम करते हैं काफी, उसका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड हेड ऑफ द टिकटॉक इन इंडिया, वी हैव फोर ऑप्शंस। एंड द आंसर इज निखिल गांधी, ऑप्शन नंबर बी, निखिल गांधी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द चेल्सी फुटबॉल क्लब फॉर इंडिया। तो चेल्सी फुटबॉल क्लब ऑफ इंडिया के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, ये आपसे पूछा गया है, वी हैव फोर ऑप्शन। देख लीजिए मैंने पूरा मौका आपको दिया है।
हाँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की फाइल आ चुकी है और इसके बाद वही क्लास हमारी होगी जैसा हमारा वादा हुआ था, आपसे बातचीत हुई थी, ठीक है। और कल बैंकिंग अवेयरनेस के एमसीक्यूज हैं, और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अर्जुन कपूर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, व्हेन वाज द पुलिस कमेमोरेशन डे 2019 ऑब्जर्व इन इंडिया? तो पुलिस कमेमोरेशन डे कब मनाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। वी हैव फोर ऑप्शंस, और गाइज अगर आंसर की बात करें, इसका आंसर क्या होगा? और आकाशदीप हमारे बीच में आ चुके हैं, ये भी एक रॉक स्टार है। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 21st अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी। 21st अक्टूबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू इंक्लूड द जापानीज इंसेफ्लाइटिस पेशेंट अंडर द अटल अमृत अभियान हेल्थ स्कीम? देख लीजिए, आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा? यार ये तो गलत बात है, 128 लोग देख रहे हैं, केवल 76 लाइक है, एक डिसलाइक भी है, ठीक है। काला टीका लगना जरूरी है, लेकिन कम से कम भाई लोग लाइक तो कर दो यार, गुरु दक्षिणा दे दो कम से कम इतनी। आंसर इज आसाम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ये गलत बात है, लाइक कर दो यार कम से कम सब लोग। विच इंडियन क्रिकेटर ब्रोक डॉन ब्रैडमैन रिकॉर्ड ऑफ हाइएस्ट एवरेज इन टेस्ट क्रिकेट ऑन होम सॉइल? तो आपको पता है इसका आंसर क्या होगा, देख लीजिए। और अगर गाइस आंसर की बात करें, आंसर इज रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। रोहित शर्मा इज राइट, हाँ 98, अरविंद वेरी गुड, लाइक करो भाई, लाइक बढ़ नहीं रहे, ये सब गलत बात है। नारुहितो विल बी जापान्स एम्परर ऑफ विच नंबर? नारुहितो कौन से नंबर के एम्परर बने, ये आपसे पूछा गया। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 126, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर, हाँ आपके सामने देख लीजिए सी। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर फिलोसोफर एंड फाउंडर मेंबर ऑफ दलित संघर्ष समिति पास्ड अवे रिसेंटली? लो चार डिसलाइक भी हो गए, सही है 98 लाइक, चार डिसलाइक, ठीक है कोई बात नहीं। और जिसने भी डिसलाइक किया गाइस, रियली मैं आपसे बोलना चाहूंगा, प्लीज एंड प्लीज आप रीजन बता दिया करें कि क्यों डिसलाइक किया आपने, क्या आपको कमी लग रही है, कहां पे एफर्ट करना है, कहां पे किस तरह न्यूज आपको देनी है, प्लीज बता दिया करें, क्योंकि आप लोग जज बन चुके हो और हम लोग क्या है, हम लोग तो पढ़ाने वाले हैं। तो के एस सिद्धैया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, वर्ल्ड ओल्डेस्ट नोन नेचुरल पर्ल वॉज डिस्कवर्ड ऑफ विच सिटी कोस्ट? तो पूरे विश्व का सबसे पुराना मोती पर्ल जो है ये किस सिटी के कोस्ट पर पाया गया? आबू धाबी, माले, जकार्ता, अम्मान? आंसर, और इसका आंसर क्या होगा? एंड द आंसर इज आबू धाबी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी संकल्प पदयात्रा हैज स्टार्टेड इन विच सिटी? गांधी संकल्प पदयात्रा किसने, कहां पे स्टार्ट हुआ है? बेसिकली स्मृति ईरानी जी ने शुरू किया है, और स्मृति ईरानी जी कहां की सांसद है आपको पता है, राहुल गांधी को राय उन्होंने, अमेठी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्जन ऑफ भीम हैज बीन रिसेंटली लॉन्च By इंडियन गवर्नमेंट? तो भीम का कौन सा वर्जन? आपसे लैंग्वेज, कितने लैंग्वेज हैं तो यह भी पूछा सकता है, 16 है, और लिमिट तो 1,00,000 रुपए, ये भी पता ही आपको, उसका आंसर क्या होगा? एंड द आंसर इज 2.2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट वुमेन साइंटिस्ट फ्रॉम इसरो टू स्टे एट अंटार्कटिका फॉर 403 डे? तो आपसे बोला गया कि पहली वुमेन साइंटिस्ट इसरो की जो कि अंटार्कटिका में 403 दिन थी। We have four options. And the answer is Mangala Mani, option number B. Next question. The International Judo Federation has banned which country? तो इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन ने किस कंट्री को बैन कर दिया? एग्जैक्टली में एक रेसलिंग, एक जूडो टूर्नामेंट में इस देश का एक जूडो वाला प्लेयर था और इसराइल का प्लेयर था,
तो इस देश के प्लेयर ने इसराइल वाले प्लेयर के साथ खेलने को मना कर दिया कि हम नहीं खेलेंगे, धर्म की बात है। तो फिर क्या हुआ, इस कंट्री पर बैन लगा दिया गया। और इसका आंसर क्या होगा, ईरान, ऑप्शन नंबर बी। तो इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन ने ईरान पर बैन लगा दिया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाउ मच अमाउंट हैज बीन कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई इंडिया टूवर्ड्स द ग्लोबल वेल्थ इन 2019 एज पर द ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2019। गाइस मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है, मैंने आपको कल ही ये पढ़ाया था, मुझे लगता है कि आप लोग को याद भी होगा। और इसका आंसर क्या होगा, इस जी ह्यूमैनिटी, बिल्कुल सही गौतम, वेरी गुड प्रपेश सर, अधिकारी साहब, आंसर इज 625 बिलियन यूएसडी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आपसे पूछा क्या, देखिए इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन 625 बिलियन यानी कि 7% आपको बताया गया था ना। अरे काहे 285 है भाई, जरा मुझे बताओ तो। नहीं नहीं 625 नहीं, गलत आंसर आपको दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द इनहेंस मॉनेटरी लिमिट अंडर गिफ्ट पॉलिसी सेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एक्सेप्टिंग गिफ्ट बाय इट्स ग्रुप ए एंड बी कैटेगरी एम्प्लॉय। कल मैंने आपको पढ़ाया था ना, आंसर दीजिएगा। और गाइस आंसर की बात करें, आंसर क्या होगा, एंड द आंसर इज 5000 रुपीज, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जी ह्यूमैनिटी बिल्कुल सही। नेक्स्ट, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा, तो ये भी आपको कल बता दिया गया था, इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज जस्टिन ट्रूडो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिलीज द ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट, जो अभी हम लोगों ने आपको 625 वाली क्वेश्चन पूछा था, तो ये ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट कौन पब्लिश किया, ये आपसे पूछा गया। वी हैव फोर ऑप्शन और मेरे ख्याल से हर बच्चा इसका सही आंसर दे लेगा। और इसका आंसर क्या होगा गाइस, इसका आंसर होगा क्रेडिट स्विस रिसर्च इंस्टीट्यूट CSRI। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज डिसाइडेड दैट फ्रॉम जनवरी 2021 नो गवर्नमेंट जॉब्स विल बी गिवन टू पर्सन हैविंग मोर देन टू चिल्ड्रेन, तो ये भी आपको पढ़ाया गया है और मेरे ख्याल से आप लोग जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। एंड द आंसर इज असम, ऑप्शन नंबर सी, असम इज राइट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2019 द ग्लोबल वेल्थ इन 2019 रेज बाय व्हाट अमाउंट, कितना अमाउंट बढ़ जाएगा, कितना अमाउंट हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया। तो ग्लोबल वेल्थ कितनी हो जाए, कितना बढ़ जाएगा, ये आपसे पूछा गया, पढ़ाया गया आपको, ये भी है। और गाइस आंसर की बात करें, इसका आंसर क्या होगा, देख लीजिए, एंड द आंसर इज $9 trillion, $9 trillion। नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट द नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट 2019, तो नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट 2019 ये कौन सा देश होस्ट करेगा, आपको पता है ये भी आंसर क्या होगा। और गाइस आंसर की बात करें, इसका आंसर क्या होगा, एंड द आंसर इज अजरबैजान बाकू, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, अजरबैजान बाकू इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे ऑब्जर्व, वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, और आंसर की बात करें, इसका आंसर क्या होगा,
एंड द आंसर इज अक्टूबर 21 ऑप्शन नंबर बी. तो अजरबैजान की कैपिटल बाकू तो है ना बेटा अभिषेक, तो मैंने वही तो बताया अजरबैजान बाकू. तो कैपिटल क्या है कमेंट करने का मतलब ही नहीं है. बाकू जो है वो अजरबैजान की कैपिटल है, मैंने बोला बाकू है. चलिए कोई बात नहीं. नेक्स्ट, डेनिस शैपोवालो हैज रिसेंटली वॉन द स्टॉकहोम ओपन टेनिस टूर्नामेंट. ही रिप्रेजेंट विच कंट्री. तो डेनिश शापो वालो, चलिए ये इन्होंने अभी स्टॉकहोम ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया, ये किस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं ये आपसे पूछा गया. और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कनाडा. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, कनाडा इज राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से. तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिमूव द लिमिट सेट फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू रिसीव एंड रिटेन गिफ्ट फ्रॉम फॉरेन डिग्निटरीज. व्हाट वाज दिस लिमिट, फॉरेन डिग्निटरीज. मैंने कल आपको ये पढ़ाया था, आंसर देखते क्या होगा. और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 1000 है. 1000 इज राइट आंसर, 1000. नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, ठीक है. तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग. आप लोग आए, आपने सेशन को एंजॉय किया, कुछ लोग को अच्छा लगा, कुछ को अच्छा लगा तो ठीक है. और प्लीज एंड प्लीज डिसलाइक के साथ अपने सजेशन भी दीजिए, बिल्कुल आपके सजेशन का स्वागत है कि क्या कहां पर हम और अच्छा कर सकते हैं. हाँ, टाइम को छोड़कर, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं. 9 AM तो 9 AM पर ही हो सकता है सेशन हमारा, ठीक है. और गाइज अगर आप प्लान कर रहे हैं अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने का, अगर आपके LIC HFL के इंटरव्यूज हैं, LIC असिस्टेंट के एग्जाम है, तो मेरा LIC का मतलब इंश्योरेंस अवेयरनेस का एक बैच आ रहा है. अगर आपका IBPS PO मेंस है और आपको मतलब GMA मार्क्स लाने हैं, तो मेरा एक बैच फॉर PO मेंस आ रहा है. और अगर आपको केवल बैंकिंग फाइनेंस में दिक्कत है, तो आप मेरा बैंकिंग एंड फाइनेंस का भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी चल रहा है, मेरा कोर्स अभी रनिंग में है, ठीक है. और इन सारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप AM लाइव कोड के थ्रू अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है. AM लाइव कोड ये मेरा कोड है, इससे आपको डिस्काउंट मिलता है और हमें भी इससे इंसेंटिव्स मिलते हैं, और प्रमोशन हमारा इसी पर होता है, नंबर्स जो होते हैं वो इसी पर आते हैं हमारे, ठीक है, जो आप लोग देखते हो. चलिए गाइस, और थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा. यूट्यूब पे आप आते हैं, हमारे लेक्चर्स को देखते हैं, उसके लिए भी धन्यवाद. और आपका दिन मंगलमय हो, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए. और अभी हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पर, टाइगर रिजर्व पे, बर्ड सेंचुरीज पर MCQs करने वाले हैं अभी नेक्स्ट. थैंक यू सो मच.